गाइस वेलकम बैक टू कैसल क्वीन। और आप टाइटल और थंबनेल देखिए तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किससे रिलेटेड है ना, समझ गए ना। सो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको बोला था कि संडे एंड थर्सडे में आऊँगी, सो मैं नहीं आ पाई। इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स चालू है एंड ये वीडियो भी मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स चालू है एंड जो हॉलीडेज मिलते हैं ना उसमें मैंने बनाया है एंड एडिट करने में भी थोड़ा समय लगा एंड ओके सो वो सब छोड़ो। और हाँ, मैं ना कभी भी आ जाऊँगी, और कभी भी आने के लिए ना आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड नोटिफिकेशन बेल दबानी पड़ेगी, तो ना तो वो सब कर लेना। तो चलो, तो मेरे पास यहाँ पे ये एक बाउल है, इसके अंदर मेरी जो कज़िन है ना उसने कुछ चिप्स रखी है एंड मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके साथ ना मेरा 36 का आंकड़ा है। सच में बता रही हूँ, मेरी जो सबसे बड़ी दुश्मन है एंड उसने इसमें कुछ चिप्स रखी है एंड मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पता है एंड बहुत कम चिप्स है एंड मैं ज़्यादा लंबाना नहीं चाहती इस वीडियो को। सो अभी मैं आपको इसमें रूल बहुत सिंपल है, मिस्ट्री थिंक मेकअप चैलेंज। तो इसमें कुछ चीट्स है, उसमें उसने कुछ थिंग्स के नेम्स लिखे हैं एंड वो मुझे नहीं पता एंड अभी मैं एक चीट पिक करूँगी एंड जो भी मुझे आएगा उसको मुझे मेकअप करना पड़ेगा उससे। ओके सो चलो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बाउल उठा लिया है एंड थोड़ा सा शफल कर लेता है, लाइक थोड़ा सा से भी लगे। उसने ये चीट्स कल बना के रखी थी एंड अभी मैं उसे वीडियो बना रही हूँ एंड वो गई भी है घर पे। तो चलो एक चीट मैं आग बंद करके शफल करने के बाद मैं पिक कर लेती हूँ, ये वाली। ओके ओके सो ब्लेंड विद हथौड़ी। ओह माय गॉड, वाओ। तो गाइस आपको नहीं दिख रहा होगा, शायद उल्टा दिखेगा। तो इसने लिखा है ब्लेंड विथ हथौड़ी एंड अभी मुझे मतलब फाउंडेशन ब्लेंड करना है हथौड़ी से। आई न्यू इट, इसने ना इतना टफ टफ लिखा होगा ना। ठीक है, तो अब मैं ये चीज साइड में रख रही हूँ एंड वो हथौड़ी लाई जाए। यहाँ पे मेरे पास हथौड़ी आ चुकी है एंड मैंने फाउंडेशन भी लगा लिया एंड यहाँ से मैं कैसा करूँ यार। ओके शिट्स यार, ऐसे एंड अभी मैं ऐसे रख रही इधर ही। ओके सो मैंने हाथ नहीं लगा रही हूँ सच में। ओके सो ये हो चुका है एंड अभी दूसरी चीज पिक करते हैं। ये ले, इसको ना इधर साइड में रख देती मैं। ओके शर्ट्स अच्छे से ब्लेंड अप्लाई लिपस्टिक विथ वाटर बॉटल लेके आती हूँ 2 मिनट। गाइस बॉटल और लिपस्टिक आ चुकी है तो चलो लगाते हैं। ओके तो मैं बॉटल से ही लगाऊँ। ओके बॉटल से ही लगाऊंगी मैं एंड मैं आपको बता रही हूँ बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है गाइस सच में। तो देखो मैं खोल रही हूँ एंड उसके बाद ऐसे देख सी वाला भी है कि नहीं। सो गाइस यू कैन सी ये लग चुका है, माय गॉड। सो अभी मैं इसे बंद कर रही हूँ। ये ना बहुत जल्दी ना सूख जाती है, ऐसी ड्राई लिपस्टिक है ये। सो अभी मैं फिंगर में है, ओह माय गॉड ये लिपस्टिक कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता। सो गाइस फाइनली अब लग चुके हैं, आई कांट बिलीव कि बहुत सुंदर लगी है गाइस। यहाँ से थोड़ी सी बांध कर ये, बट नो प्रॉब्लम चलता है। मैं इसे हैंड वॉश करके इधर रखे हैं। अभी का मेकअप तो मेरा सही जा रहा है एंड आई होप कि आगे का मेकअप भी सही जाए एंड जो ये 2 चिट्स थी वो चुकी, एक तो फाउंडेशन की एंड हाई लिपस्टिक की। सो ये मैंने साइड में रख दी है। सो अब मैं और एक बार चिट पिक करने वाली हूँ एंड मैं आपको बता रही हूँ ये लिपस्टिक ना नई निकल गई है। सो अभी मैं इसमें से शफल करती हूँ एंड और एक बार चिट पिक करती हूँ। हाँ ओके
सो मैंने ये छेद निकाल लिया। अप्लाई आई शेडो विथ इरेजर। गैस इरेजर से मुझे आई शेडो अप्लाई करना है। चलो कोई नहीं, इतना हार्ड भी नहीं है, इसे भी मैं इधर रखती हूँ। एंड अभी वो भी सामान लेके आना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे आई शेडो है एंड इरेजर भी है, तो मैं मेरी बहन का इरेजर लेकर आ चुकी हूँ, जो मेरी कज़िन है उसका ही है। ओके सो इसमें से मैं ले रही हूँ पिंक कलर, ऑब्वियसली मैं पिंक ही लेने वाली हूँ। ओ माय गॉड, मेरा फेवरेट आई शेडो है, ख़राब मत हो जाइए प्लीज़। ओ माय गॉड, ले लेती हूँ। शिट, आई थिंक इट्स वर्क। यार ये लग रहा है क्या, आई थिंक थोड़ा सा डाल के करना चाहिए मेरे को। ओके सो गाइस, आई थिंक इट्स डन। और मैं भूतिया लग रही हूँ सच में, ऑनेस्टली मैं भूतिया लग रही हूँ। ओके सो मैं इसे भी सब रखती हूँ साइड में। ओके सो ये भी डन हो चुका है। सो अभी मैं नेक्स्ट चीट पिक कर रही हूँ। एंड अभी ओ माय गॉड, बहुत कम चीट है। अच्छा कम नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा। ओके ओके, मैंने ये वाला चेक भी कर लिया। एंड आई होप कि कुछ अच्छा आ जाए, है फिंगर क्रॉस। अप्लाई कॉम्पैक्ट विथ हेयर टाई। हेयर टाई से कौन लगाता है यार कॉम्पैक्ट, ऑनेस्टली बताऊँ मेरे पास ऐसी हेयर टाई है। एंड ये वाली कॉम्पैक्ट है मेरे पास सीरीज। एंड तो चलो इसी से लगाना पड़ेगा अब हमें। हो गया भाई, बस इसे भी मैंने रख दिया है साइड में। ओके सो अभी इसमें से दो ही चीट है, चीट है। सो अभी इसमें शफल क्या करना। ओके सो अब देख लेती हूँ मैं। अप्लाई ब्लश विथ कॉटन। ठीक है, ये भी कर लेंगे। मैंने आपको बताया था बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो अब उससे भी तेज़ बारिश हो रही है बाहर। तो मैंने वापस से यही कॉम्पैक्ट ले लिया है, मतलब ये ऑल इन वन है और कॉटन ले लिया है। बाप रे, मेरा आवाज़ आ रहा है ना आपको। ओके सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ब्लश भी है दोनों साइड पर, लाइट और डार्क। तो मैं लाइट ही लगाऊँगी। बाप रे, क्यूट लग रहा है ये, छोटू सा है। डन गाइस, ये भी डन हो चुका है। लास्ट चीट है, तो मैं इसे पिक कर लेती हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। ओके सो फाइनली अप्लाई आईलाइनर विद पेन। अप्लाई आईलाइनर विद पेन ओके मुझे, तो चलो वो भी कराते हैं। मेरे पास ये आईलाइनर और पेन है, इसको मैं अभी आईलाइनर में डिप करने वाली हूँ। ऐसे ऐसे समझ में आया कैसे कैसे। ओके सो अभी डन, मेरा तो हो गया भाई। पेन से आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है गाइस, तो दूसरी आईज भी लगा ही लेती हूँ। चलो बिफोर एंड आफ्टर देख लो, इन सब थिंग्स के बाद मैंने क्या मेकअप किया है। I hope you enjoying this video. If you enjoying this video, so please like this video, share this video and subscribe to my channel. And ta-ta, bye-bye. Take care all.